और अयोध्या से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, जिसके बाद अयोध्या जंक्शन अब अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। इसको लेकर रेलवे की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंशा जाहिर की थी। अब प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस तरीके की मंशा जताई गई थी, जिसके बाद अब रेलवे ने भी नाम बदलने के आदेश जारी कर दिए। है तो अयोध्या धाम ही, जो अयोध्या धाम होना चाहिए था वो अयोध्या धाम नहीं था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इससे अयोध्यावासी ही नहीं, देश भर में जो भी अयोध्या धाम आते हैं, भगवान रामलला का दर्शन करने आते हैं, सरयू मैया में स्नान करने आते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आते हैं, वह सब इस फैसले से बहुत प्रसन्न हैं। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने से राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने खुशी जाहिर की है। उनके मुताबिक इस तरह की पहल से यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के मन में तीर्थ को लेकर और ज्यादा भावना बढ़ेगी। आ गया कि अयोध्या पहले था अयोध्या जंक्शन, अब अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम कर दिए। यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी के देन है मुख्यमंत्री जी का, और उनके दिमाग में इस तरह आता ही कितना इसमें परिवर्तन ला दें जिससे कि हमारे भक्तों को अच्छा लगे। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी अयोध्या जंक्शन का नाम बदले जाने पर खुशी जाहिर की है। बीएचपी नेता शरद शर्मा के मुताबिक उनकी बहुत पहले से अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन करने की मांग। यह अयोध्या धाम ही है, संपूर्ण सप्तपुरियों में अयोध्या धाम ही कहा जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च और जो है ये जो मोक्षदायिनी है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम स्टेशन किया जा रहा है, यह बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला है। सरकार ने निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और यह जो है परम्परा जो है तीर्थाटन को भी प्रोत्साहित करने वाली है। को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर के अंदर की पहली झलक दुनिया ने देखी। यह अनुष्ठान 15 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करीब 8,000 मेहमान आएंगे। और इससे पहले पहली बार ऐसा मौका आया जब राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें दुनिया ने देखी। ये तस्वीरें राम मंदिर में हो रहे बेजोड़ काम और कलाकृति की जीती जागती मिसाल हैं। ये तस्वीरें राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर यानी गर्भगृह की हैं। इन्हें अंदर से दुनिया ने पहली बार देखा और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया कि राम मंदिर कितना भव्य, कितना शानदार और कितना अलौकिक होगा, क्योंकि मंदिर के एक एक हिस्से पर बारीकी से काम किया गया। गर्भगृह के गुंबद को देखकर तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इस पर बेहतरीन नक्काशी की गई और अलग अलग देवी देवताओं की कलाकृति बनाई गई। इस वजह से मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए।